नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे और चौंक भी जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे अपने फोन के ऊपर क्रिकेट खेलकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अपने फोन पर क्रिकेट खेलकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं अगर आपको क्रिकेट की अच्छी नॉलेज है तो। दोस्तों कई लोग इसको यूज कर रहे हैं इस तरीके को और लाखों रुपए वो कमा भी रहे हैं, काफी फायदा उठा रहे हैं। मैं भी इसको यूज करता हूं और कई बार मैंने भी इसमें कमाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए और ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आप एक एक चीज इसमें समझ सकें, बारीकी के साथ समझ सकें, ताकि आप इसमें पूरा पूरा फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि वो कैसे हम कमा सकते हैं। दोस्तों आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ऐप का लोगो है, ड्रीम इलेवन इसका नाम है। दोस्तों प्ले स्टोर पर ड्रीम इलेवन नाम की बहुत सारी ऐप आपको दिख जाएंगी, लेकिन उनका काम जो होता है वो बेकार होता है। वो इस तरह की खास जो काम होते हैं वो नहीं कर पाती, जेन्युइन ऐप नहीं होती हैं। और इस ऐप का लिंक आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक लिंक दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे देखिए, वहां पर आपको एक लिंक दिखेगा इस ऐप का, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इसमें आप किस तरह से कमा सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का लोगो आएगा, इसको आप ऐप को ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप ऐप ओपन करेंगे तो पहले तो आपसे एक लॉगिन पूछा जाएगा, तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा वहां पर, ईमेल आईडी डालकर अपना लॉगिन आईडी बना लीजिएगा। तो जैसे आप लॉगिन कर जाएंगे, अपना अकाउंट बना लेंगे उसके अंदर, तो इस तरह का एक होम पेज खुलेगा। दोस्तों अब हमें सारा काम जो है वो यहीं पर करना है, यहीं पर हमें क्रिकेट खेल सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तीन ऑप्शन है, पिक्चर्स, लाइव, रिजल्ट। तो इस मतलब है, देखिए इसका मतलब है कि कौन कौन से मैच अब आगे आने वाले हैं या कौन कौन से टूर्नामेंट आने वाले हैं। क्रिकेट के जो टूर्नामेंट चल रहे हैं जैसे इंडिया श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ न्यूजीलैंड, आपको यहाँ पर पूरी उसकी लिस्ट यहाँ पर दिखती रहेगी, कौन कौन से टूर्नामेंट आ रहे हैं या कौन कौन से मैच कब हैं। दूसरा जो लाइव का जो ऑप्शन है, तो इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें दिख जाएगा कि हमारा आज की डेट में कौन सा मैच चल रहा है। तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो है रिजल्ट, जो भी आप मैच के रिजल्ट आ जाते हैं वो यहाँ पर आप उसके बारे में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो देखिए फिक्सर्स पर हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर अलग अलग दिन जो भी मैच है उसके बारे में पूरी लिस्ट है। जैसे कि एक न्यूजीलैंड में T20 कोई सीरीज़ चल रही है उसके बारे में, या इंडिया और श्रीलंका की T20 सीरीज़ चल रही है उसके बारे में, फिर उसके बाद कब ये न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की वनडे इंटरनेशनल मैच शुरू होंगे उसके बारे में। अब हमें यहीं पर अपना काम करना है। अगर आपको क्रिकेट की अच्छी जानकारी है दोस्तों, तो आप यकीन मानिए यहाँ पर आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको सारी तरीके बताऊँगा और आप इसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मान लीजिए हमें इस अंदर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसके ऊपर टच करता हूँ, इंडिया और श्रीलंका के जो मैच चल रहे हैं, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। देखिए आप यहाँ पर देखिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पर इसमें मुझे बताया है कि इस मैच के ऊपर इतने कॉन्टेस्ट यहाँ पर चल रहे हैं, मतलब ये जो मैच होने वाला है इस मैच पर इतने कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। जैसे कि कॉन्टेस्ट नंबर वन, जैसे ये दिख रहा है आपको, इससे नंबर वन पर ये मेगा कॉन्टेस्ट, इसमें आप अगर ध्यान दें, देखिए ये जूम नहीं होगा इसलिए मैं आपको जूम करके नहीं दिखा पाऊँ दोस्तों, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखते रहिए, अपने वीडियो की क्वालिटी ठीक करके देख लीजिएगा। देखिए ये नीचे आपको दिख रहा है, इस कॉन्टेस्ट में 320,000 टीम पार्टिसिपेट कर सकती है। जैसे कि आपने क्रिकेट टूर्नामेंट देखा होगा उसमें इतनी टीमें आती हैं, तो उसी तरह का ये एक टूर्नामेंट है। तो इसमें 320,000 टीम उतरेंगी, जिसमें से 160,000 टीम जीतेंगी, ठीक है। 320,000 में से 160,000 टीमें जो होंगी वो जीतेंगी, और जो इसमें जीतने का जो प्राइज़ है वो है 70 लाख रुपये। मतलब ये 70 लाख रुपये जो है वो 160,000 जो टीमें जीतेंगी उनमें बांटा जाएगा। वो कैसे बांटा जाएगा, वो इसके ऊपर आप टच कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर टच करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये विनर्स का एक ऑप्शन नज़र आएगा, तो यहाँ पर 160,000 आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आप इस पर टच कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर टच करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगी, जिसमें आपको बताया गया है कि जिसका रैंक एक आएगा, जिसकी टीम का रैंक एक आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा पॉइंट अगर उसकी टीम को मिलेंगे तो उसे मिलेंगे 4 लाख रुपये, जिसकी टीम का रैंक दो है उसे मिलेंगे 1.25 लाख, जिसकी टीम का रैंक 3 से 5 है उसको मिलेंगे 50,000,
जिसका रैंक 6 से 10 है उसको मिलेंगे 10,000। उसी तरह से आप नीचे देख लीजिए, जिसका रैंक 140,000 से 160,000 है तो उसे भी यहाँ पर 15 रुपये जीत के मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ही अच्छी जानकारी और आप प्लेयरों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, क्रिकेट के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी टीम भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और अच्छा खेलेगी और अच्छे पॉइंट कमाएगी, तो आप इनमें से कोई से भी विनिंग अमाउंट आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कि टीम बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने इस कॉन्टेस्ट पे ज्वाइन किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ज्वाइन प्लस जो लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब मैंने ज्वाइन किया हुआ है। आप नीचे भी देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन वन, मतलब मैंने एक कॉन्टेस्ट इसमें ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ज्वाइन कैसे करना है, आप इस पर ज्वाइन पे क्लिक कीजिए। ये ज्वाइन लिखा हुआ है, मतलब आपको यहाँ पर अपनी टीम उतारनी है, आप इसमें क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप अपनी एक टीम बनाइए, बहुत ही मजबूत टीम बनाइए जिस पे आपको यकीन है कि ये प्लेयर अच्छा खेलेंगे। तो देखिए, हमने इंडिया श्रीलंका के मैच को चुना है, तो इसमें इंडिया श्रीलंका के ही प्लेयर आपको दिए जाएंगे और आपकी टीम के टोटल 100 पॉइंट आपको दिए जाएंगे। हर एक प्लेयर के पॉइंट होंगे, जैसे कि ये इनका 9 पॉइंट है, इसके भी 9 पॉइंट हैं। तो आपको एक विकेट कीपर लेना है, ठीक है, और बैट्समैन लेने हैं 3 से 5। और आपको देखिए, ये बैट्समैन है, ये ऑलराउंडर है, ये बॉलर हैं। तो आपको बॉलर लेने हैं कम से कम 3, ऑलराउंडर लेने हैं 1 से 3, और बैट्समैन लेने हैं मैक्सिमम 5। ठीक है, और एक टीम से आप 7 प्लेयरों को ले सकते हैं, और आपको मैक्सिमम 100 पॉइंट मिलेंगे टीम चुनने के लिए। मतलब ये जो आपको पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हर एक प्लेयर के पॉइंट जुड़कर 100 होने चाहिए या 100 से कम, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो टोटल आपको 11 प्लेयर आपके चुनने हैं। जैसे मैं आपको अपनी टीम बना के आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने, देखिए आपको दिखाने के लिए मैं टीम बना लेता हूँ, ये ले लिया है। उसके बाद बैट्समैन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे बैट्समैन लेने के लिए। तो बैट्समैन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, बैट्समैन आप चुन लीजिए जिस पे आपको यकीन है कि वो इस मैच में अच्छा खेलेगा, वो आप प्लेयर इसमें चुन लीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी अभी चुन लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने 5 बैट्समैन देखे अब यहाँ पर चुन लिए। अब यहाँ देखिए, मैक्सिमम मैं 5 ही बैट्समैन ले सकता हूँ। अब ऑलराउंडर पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से कोई भी प्लेयर आप ले लीजिए अच्छा सा। मान लीजिए मैंने एक ले लिया, और एक मैंने ये प्लेयर ले लिया। अब चलते हैं बॉलर पे। अब आप यहां पे भी नीचे देखते रहिए, यहां पे आपके कितने पॉइंट्स बचे हुए यहां पे आपको दिखता रहेगा। तो आप यहां पर, मैं बॉलर ले लेता हूं, एक ये ले लिया है मैंने, एक ये ले लिया है, और एक मैंने ये बॉलर ले लिया है। तो देखिए, मैंने पूरे अपने 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए हैं। ये देखिए, पूरे 11 प्लेयर मेरे हो गए, और नीचे मेरे पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं, मतलब 100 में से सिर्फ मेरे 5 पॉइंट बाकी रह गए। अब यहाँ पर आप अगर टीम देखना चाहते हैं अपनी, तो यहाँ टीम प्रीव्यू पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपकी टीम सामने आ गई। अब यहाँ पर देखिए, आप मैंने इंडिया के 7 प्लेयर लिए हैं और श्रीलंका के 4 प्लेयर लिए हैं, क्योंकि एक टीम के हम सिर्फ 7 ही प्लेयर ले सकते हैं। और ये आपकी पूरी टीम यहाँ पर बता दी है कि ये आपने टीम सेलेक्ट की है। तो आप इसी हिसाब से अपनी वो भी टीम बनाना चाहते हैं, इस तरह से आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर बात आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने की। और यहीं पर बहुत ही जानकारी आपको होनी चाहिए, और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यही, कि अगर जो प्लेयर अच्छा खेलेगा आप उसको कैप्टन बनाइए और वाइस कैप्टन बनाइए, क्योंकि जो कैप्टन होगा उसको डबल पॉइंट मिलते हैं, और जो वाइस कैप्टन होगा उसको 1.5 गुना एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। मतलब अगर आपके कैप्टन के 10 पॉइंट बनेंगे तो आपके हो जाएंगे 20, और अगर आपके वाइस कैप्टन के 10 पॉइंट बनेंगे तो आपके हो जाएंगे 15। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए मुझे लगता है कि ये प्लेयर मेरा अच्छा खेलेगा, तो देखिए आपको यहाँ सी पर क्लिक करना है, मतलब कैप्टन। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने कैप्टन बना लिया, और मुझे लगता है कि ये अच्छा खेलेगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा वाइस कैप्टन पे, इसको मैंने वाइस कैप्टन बना लिया। अब उसके बाद नीचे सेव टीम पे आप कर दीजिए। देखिए मेरी टीम सेव हो चुकी है। अब अगर आप दोबारा अपनी टीम देखनी है, तो आप यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए ये आपकी पूरी टीम आ गई। यहाँ पर आपका कैप्टन दिख रहा है पीले रंग में, और नीले रंग में है आपका वाइस कैप्टन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि कैप्टन को 2 गुने पॉइंट मिलते हैं और वाइस कैप्टन को 1.5 गुना। तो इसी हिसाब से जो भी अच्छे प्लेयर हों उन्हें आप अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन चुन सकते हैं। तो ये मैंने बना ली टीम। अब उसके बाद अब हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, मैंने ये तो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकता है किया हुआ है, और आप
एक कॉन्टेस्ट में 6 टीमें अपनी उतार सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताने के लिए देखिए ये वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, देखिए ज्वाइन पे क्लिक किया, अब ये देखिए इसका सिर्फ कितना रुपए है, सिर्फ 10 रुपये हमें एंट्री फीस भरनी है। तो सिर्फ 10 रुपये में हमें एंट्री फीस देनी है और टोटल 133,000 टीम इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें से 60,000 टीमें जीतेंगी। और इसमें जीतने वाले को कितना प्राइज़ मिलेगा वो आप इसके ऊपर टच करेंगे तो देखिए पहले रैंक वाले को मिलेंगे 50,000, दूसरे वाले को 10,000, उसी तरह से नीचे आप लिस्ट देख लीजिए। तो अगर मान लीजिए मेरा रैंक 60 भी आ गया तब भी मुझे मेरे 10 रुपये मुझे मेरे वापस मिल जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पर ज्वाइन कॉन्टेस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी टीम जो होगी वो ज्वाइन हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरी ये टीम यहाँ पर ज्वाइन हो चुकी है इस कॉन्टेस्ट में, ये मेरी टीम का नाम है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर आपको मेरी टीम दिख जाएगी जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें मैंने इसे कैप्टन बनाया है और इसे वाइस कैप्टन बनाया है। ये मेरे टोटल 11 प्लेयर हैं। इस तरह से आप अपने पूरे 11 प्लेयर बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं किस तरह से आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले प्रैक्टिस मैच खेलें, यहाँ पर आप प्रैक्टिस मैच भी खेल सकते हैं ताकि आपको पूरी अच्छी तरह नॉलेज हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कॉन्टेस्ट दिखेंगे जो कि फ्री होते हैं, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर ज्वाइन के ऊपर क्लिक कीजिए, जैसे कि इसमें 100 टीमें उतरेंगी तो आप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी मजबूत टीम इसके अंदर उतार दीजिए। अब देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये कॉन्टेस्ट जो है वो फुल है, मैं तो क्लिक करता हूँ ये दूसरे पे। अब इस पर मुझे जो भी टीम आपने उतारनी है मैं इसमें उतार सकता हूँ। मान लीजिए मुझे टीम 2 उतारनी है अपनी इसमें, तो यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद नीचे क्लिक किया ज्वाइन पे, ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो जाएगा। और आप यहाँ देखिए इसके मुझे ज्वाइनिंग अमाउंट 0 है, तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अपनी टीम उतारिए, किस तरह से पॉइंट मिल सकते हैं, किस तरह से ज़्यादा पॉइंट बना सकते हैं। इस तरह से आप कुछ मैचों की आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए फ्री लीग खेल के जो प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट है, और उसके बाद आप यहाँ पर कैश कॉन्टेस्ट पर आप आइए। उसके बाद अपने पसंद का जो भी कॉन्टेस्ट आप चुनिए, जैसे कि यहाँ पर ये 29 रुपये का, ये 10 रुपये का, ये 8 रुपये का, और नीचे आप जाइए। जैसे ऊपर आपने देखा कि कितनी लाखों टीमें यहाँ पे उतर रही हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पर 4 टीम और 2 टीम ये छोटे छोटे कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हैं, छोटे छोटे टूर्नामेंट भी खेल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 11 टीम है इस टूर्नामेंट में, इसमें 2 हैं। तो इस तरह से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से टीम उतार सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह से आप इसके अंदर पैसे ऐड कर सकते हैं या यहाँ से जीते हुए पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखिए ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा 3 लाइन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको माई अकाउंट के ऑप्शन पर टच करना है। आप जैसे ही माई अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको पैसे ऐड करने तो उसमें आपको यहाँ ऐड कैश पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपके यहाँ अकाउंट में बैलेंस होंगे यहाँ पर तभी आप किसी कैश लीग में ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे 10 रुपये का मैच खेले चाहे 20 रुपये का। तो उसके लिए आपको यहाँ पर पैसे ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ जैसे ही आप ऐड कैश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप 10, 20, 30, 40 जितने रुपये चाहें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ उतने रुपये लिखिए और यहाँ ऐड कैश पर आप टच कर दीजिए। आप दोस्तों यहाँ पर पेटीएम से भी पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नेट बैंकिंग की तरफ से भी आप इसमें ले सकते हैं, या डेबिट कार्ड से भी आप यहाँ पर पैसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से जब आप पैसे जीत जाएंगे तो देखिए आपके जीते हुए पैसे जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे, आपके विनिंग अमाउंट यहाँ पर आपका दिखाई देगा और आप यहाँ से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ वेरीफाई नाउ के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। आप बिल्कुल ठीक ठीक बैंक की डिटेल यहाँ पर भर दीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन ऐप है, आप यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल भर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना सारा जीता हुआ पैसा अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आप जैसे ही अपने फ्रेंडों को इनवाइट करेंगे तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। जैसे ही आपके फ्रेंड भी अगर इसको खेलेंगे तो उन 100 रुपये से भी आप यहाँ पर अपने कैश लीग जो है वो खेल सकते हैं और उससे आप जीत कर अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो कि आप किस तरह से अपने घर बैठे अपने मोबाइल के ऊपर क्रिकेट खेल कर पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपकी स्क्रीन के ऊपर लाल निशान को टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।